No, I'm eating 24/7. No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rosas as such. No, and I mean... मौजिज दोस्तों, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, बरे ज़गीर पाको हिंद की तकसीम के वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए तो इन दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मज़हब के लोग भी क़याम पज़ीर हुए और इनके दरमियान आपस में रिश्तेदारियाँ भी कायम हो गईं। और अक्सर हिंदू लड़कियाँ मुसलमान लड़कों से शादी कर लेती हैं और ज़्यादातर हिंदू लड़कियाँ अपना मज़हब छोड़ कर इस्लाम कबूल करती हैं क्योंकि इस्लाम में हिंदू औरत से शादी करने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन चंद मिसालें हमें ऐसी भी मिलती हैं कि जिसमें मर्द और औरतों ने अपना मज़हब तब्दील किए बगैर आपस में शादियां की हैं। ऐसी ही एक मिसाल हमें बॉलीवुड स्टार करीना कपूर और सैफ अली खान की ज़िंदगी से मिलती हैं, जिसमें सैफ अली खान मुसलमान हैं और करीना कपूर एक हिंदू लड़की हैं। चंद साल पहले इनके दरमियान शादी का रिश्ता मुंसलिक हुआ और अब इनके दो बच्चे भी हैं। लेकिन कुछ अरसा कबल जब करीना कपूर से एक सवाल किया गया कि क्या आप रमज़ान के रोज़े रखती हैं और सैफ अली खान की तरह नमाज और अल्लाह की इबादत करती हैं, इस पर करीना कपूर ने जवाब दिया, मैं तो रमज़ान में भी 24 घंटे खाती पीती हूँ। मैंने शादी सैफ अली खान से की है, ना कि इस्लाम से। इसी तरह का एक हिंदू लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि अगर एक ही घर में हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के की शादी हो जाए और लड़की पूजा करे और लड़का नमाज पढ़े तो क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की के सवाल को काफ़ी सुहराया क्योंकि हिंदुस्तान में ये मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका पहले लॉजिकल तर्ज में जवाब देते हुए कहा कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ कायदे कानून होते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक गाड़ी है और इस गाड़ी का एक पहिया ट्रैक्टर का और दूसरा पहिया आप इसको साइकिल का लगा देते हैं तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि गाड़ी उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक इसके चारों पहिये एक जैसे ना हो जाएं। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान मजीद की सूरतुल बकरा आयत नंबर 221 का हवाला देते हुए कहा, आप यानी मुसलमान मुशरिका औरत से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लें, और एक ईमान लाने वाली औरत जितनी भी बदसूरत हो एक मुशरिका औरत से बेहतर है, जबकि मुसलमान लड़कियां मुशरिक मर्द से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और आयत का हवाला देते हुए कहा कि सूरतुन्नसा की आयत नंबर 48 और 116 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी गुनाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक मर गया तो अल्लाह इसे कभी माफ़ नहीं करेगा क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो किसी और को अल्लाह के साथ शरीक करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं, इसलिए इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की किसी मुशरिक लड़के या लड़की से शादी करे क्योंकि इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।